मोमोज तो हम सबने खाया होगा और सभी को पसंद भी होगा। जी हाँ, तो आज की स्टोरी है एक प्यारे से मोमोज की, क्योंकि एक बूढ़ी चीनी आंटी को मोमोज इतने पसंद होते हैं कि वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए मोमोज को ही अपना बेटा बना लेती हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। और मूवी के स्टार्टिंग में एक बूढ़ी चीनी आंटी अपने नरम नरम हाथों से आटे को गूंथ कर उसकी लोइयां बनाती है और उनकी छोटी छोटी पूड़ी बेल कर वो उसमें सारी वेजीज की स्टफिंग भरती हैं। फिर वो उसे स्टीम में पकने के लिए छोड़ देती हैं। और थोड़ी देर बाद जब मोमोज पककर तैयार हो जाते हैं, फिर वो इसे अपने हस्बैंड के साथ बैठकर खाने लगती हैं। अब बूढ़ी चीनी अंकल को ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है, इसीलिए वो अपना मोमोज फिनिश करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं चीनी आंटी बड़े मजे से और बहुत धीरे धीरे अपने मोमोज को खा रही होती है। और जैसे ही वो आखिरी बचे हुए मोमोज को खाने लगती है, वो मोमोज अचानक से जिंदा हो जाता है। वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह रोना स्टार्ट कर देता है। वो इतना रोता है कि रोते रोते उस बेबी मोमोज के हाथ और पैर भी अपने आप ही निकल आते हैं। मोमो को इस तरह देखकर अब बूढ़ी चीनी आंटी उसे अपने हाथों में उठाती, जिससे वो मोमो हंसने लगता है। आंटी इस मोमो का नाम बाओ रखती है और उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला करती है। अब चूंकि बाओ तो मैदे का बना होता है और वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, तो बूढ़ी चीनी आंटी उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसे खाना खिलाती, उसे नहलाती, यहाँ तक कि वो उसका हाइट भी हमेशा मेजर करती रहती है। अब धीरे धीरे इनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था और आंटी इस मोमो को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब बाओ जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वो उतना ही ज्यादा चंचल और बदमाश होता जा रहा था। उसे अपने से बड़े लड़कों के साथ फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन बूढ़ी चीनी माँ उसकी भलाई के लिए उसे फुटबॉल खेलने से रोकती है, जिससे उसे चोट ना लगे। पर बाओ बहुत एग्रेसिव हो चुका था, वो अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता था। धीरे धीरे अब दिन बीतने लगते हैं और कुछ दिनों बाद बाओ अब बड़ा हो चुका था, इसीलिए अब वो अपनी माँ को बोलकर अपने ही रूम में वो पूरा दिन अपने फ्रेंड से बातें किया करता था। अब एक दिन बूढ़ी चीनी माँ अपने बेटे के लिए उसके सारे फेवरेट फूड बनाती है, पर बाओ उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने बाहर चला जाता है। अब बेचारी बूढ़ी चीनी माँ कुछ नहीं कह पाती और सारा खाना उसे खुद ही खाना पड़ता है। बाओ एक दिन अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है, और बूढ़ी चीनी माँ उसे रोकने की बहुत मिन्नतें करती है, पर बाओ अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने की जिद करने लगता है। ऐसे में गुस्से में आकर वो बूढ़ी चीनी माँ बाओ को उठाकर खा लेती है, लेकिन बाओ को खाने के बाद बूढ़ी आंटी ने जो किया उससे वो बहुत डर जाती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। और फिर सारा दिन बिना कुछ खाए पिए बूढ़ी माँ अकेले अपने कमरे में बाओ को याद करके रोया करती है। फिर उनका बूढ़ा पति एक दिन अपने बेटे को, जो उन्हें बहुत ही पहले छोड़कर जा चुका था, उसे मनाकर घर वापस ले आते हैं, जिसे देखकर बूढ़ी चीनी आंटी को वापस बाओ की याद आ जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे का फेस बिल्कुल बाओ जैसा ही दिखाई देने लगता है। इसीलिए बूढ़ी माँ वापस से उसे बाओ समझकर उस पर गुस्सा करके लेट जाती है। फिर उनके बूढ़े पति के कहने उनका बेटा खाने का एक बॉक्स रख कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बूढ़ी चीनी माँ उसे रोक लेती है और उसे प्यार से अपना बेटा कहकर बुलाती है। फिर ये दोनों अपने सारे दुख दर्द भूल कर उस बॉक्स में रखी खाने की चीज को खाने लगते हैं। अगले दिन बूढ़ी चीनी माँ अपने बेटे को मोमोज बनाना सिखाती है, पर वो सही से नहीं बना पाता। वहीं उसकी मंगेतर ये सब अच्छे से बना लेती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और इस तरह यहीं पर मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।